हमारे आदिवासी संस्कृति का पहचान है ये। जब हमारे मदनापुर क्षेत्र में ईश्वर की ज्योति नहीं जागी थी, उस समय भी ये संस्कृति का एक हिस्सा था और वो हिस्सा उस समय से बना हुआ था, जागृत था, जो आज भी जागृत है, जिसको हमारे पूर्वज लोग पुराने समय से ही करते आ रहे थे, आज भी उसको बरकरार रखे हैं, उसका रूप को गीता जागता स्वरूप दे रहे हैं। युवाओं के द्वारा ये प्रस्तुति बहुत मेहनत के द्वारा सीखा गया है, इसलिए इस प्रोग्राम को देख कर अच्छी तरह से इसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी हमारे समाज में कोई भी प्रोग्राम होगा, उनमें एक ना एक प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम का हिस्सा बना ही रहेगा, इसको हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। माताओं के द्वारा सभी सभाजन के लिए करुणा के साय मुर्रा सीता रखा वाली, साय मुर्रा सीता रखा वाली, कृपया इसमें से माल अशोक सिंह की कृपया बताइए, जहाँ जहाँ मुर्रा नहीं पहुँचेगा, हमारे माता हमारे पितागण चाय और मुर्रा बेचकर साथ बांट रहे हैं। क्या आज माताओं के दिवस के अवसर पर आपके लिए मूर्ति का चाय और मुर्रा बेचकर किया गया है? कृपया हमारे समिति सहयोग कर रहे हैं, कृपया जिदा नहीं होगा कृपया बताइए चाय और मुर्रा का दर्शन हो रहा है। स्वयं से गा रहे हैं, स्वयं से नाच रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की बाहरी या संस्कृति या हमारे आदिवासी पहचान है। इस नाच के द्वारा सबको रिझा रहे हैं। आप नाच तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने अंतर मन से नाचिए। कितने अच्छे रूप से ये प्रैक्टिस किए हैं और आज अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं माताओं की खुशियों में। माताएं तो क्या खुशी होंगे, मगर उस खुशी में शामिल होने वाले इस खुशी का ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। मालर की बजाय में ब्रदर जेवन किस प्रकार बुलाई किए हैं, साथ देने वाले फोन करते पंडित पानी से मधु है और हमारी बहन गोगल से जबरदस्ती मालर के तान में घूमे हुए हैं और साथ में कर्तन में घूमने वाले हमारे पिताजी हैं और उन्होंने जबरदस्ती अभ्यास किए हैं। आज तक पता नहीं चल रहा था हमारे युवा बातें पारिश में
इतनी संख्या में युवा साथियां हैं जो बड़े उत्साह और ऊर्जा से